दोस्तों, जीवन में या तो हम सुखी राम की तरह जीते हैं या तो दुखी राम की तरह। जीवन में इंसान कौन कौन सी ऐसी गलती है जो करता है और उन गलतियों को करने के बाद भविष्य में वो बहुत ज़्यादा पछताता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त राम प्रकाश ठाकुर हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों से आज आपके लिए खूबसूरत वीडियो लेकर के आया हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के बगल में आपको बेल आइकन दिखेगा, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक बार एक गुरु के पास एक शिष्य जाता है और शिष्य का काम होता है कि गुरु जो भी बताता है उसकी आज्ञा का पालन करना। शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करता है, परंतु कुछ समय बाद उसकी लाइफ में बहुत अलग अलग तरह की समस्या आती है। सबसे पहली समस्या तो ये आती है कि उसकी हेल्थ ख़राब हो जाती है। उसके बाद दूसरी समस्या उसको ये आती है कि उसका फाइनेंशियली स्टेटस ख़त्म हो जाता है। उसके बाद दोस्तों जो सोशल स्टेटस उसने बनाया होता है वो भी उसका धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। और वो व्यक्ति गुरुजी के पास जाता है, कहता है कि गुरुजी मुझे लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समस्या आ रही है, तो हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, और उन पर्टिकुलर प्रॉब्लम से मैं बाहर कैसे निकलूँ। तो गुरु सोच समझ करके उसको जवाब देता है, कहता है कि कल सुबह आपने नदी के किनारे आ जाना, मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा। दोस्तों दूसरे दिन जो छात्र होता है वो सुबह उठ करके गुरु के साथ नदी के किनारे चला जाता है और नदी के किनारे बहुत सारे पत्थर और कंकड़ पड़े होते हैं। मतलब गुरु कहता है कि आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बहुत सारे पत्थर है, इन पत्थरों में से एक पत्थर आपको ऐसा मिलेगा जो नॉर्मल पत्थर के टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म होगा। वो पत्थर बहुत ही शक्तिशाली होगा, जिस भी चीज़ को आप छूओगे वो सोना बन जाएगी, जिस भी हेल्थ के पार्ट को आप टच करोगे वो हेल्थ आपकी ठीक हो जाएगी। सोशल सर्कल में जिस भी आदमी को उस पत्थर से आप टच करोगे वो आदमी आपका फैन बन जाएगा, परंतु वो पत्थर मिलेगा कब आपको, बहुत सारे पत्थर के बीच में होगा जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। हर रोज़ आपने 1-2 घंटे आना है और आने के बाद पत्थर उठाने हैं और उठा करके पत्थर का टेम्परेचर चेक करना है। टेम्परेचर चेक करने के बाद जो पत्थर थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होगा समझ लेना कि वो वही पत्थर होगा जो शक्तिशाली है। तो गुरु वहाँ से चले जाते हैं, शिष्य उसी समय से काम करना शुरू कर देता है। एक पत्थर को उठाता है वो ठंडा होता है, दूसरे को उठाता है ठंडा होता है, तीसरे को उठाता है ठंडा होता है, वैसे कर करके वो 100-200 पत्थर उठा लेता है। 200 पत्थर उठाने के बाद उसको लगता है कि वो जो पत्थर है वहीं पे वो उठा रहे हैं वहीं पे गिरा रहे हैं, उससे उसका समाधान नहीं होगा क्योंकि वो पत्थर मिक्सअप हो रहे थे। अब धीरे धीरे उसने क्या किया, वो एक पत्थर उठाता और उस पत्थर को नदी में फेंकता, दूसरे पत्थर को उठाता नदी में फेंकता। इससे उस शिष्य का एक फ़ायदा ये हो रहा था कि वहाँ पे जितने भी पत्थर थे उससे उसका एक जो स्पेस था एरिया का वो खाली होता जा रहा था, उससे उसके मन का वो झलका होता जा रहा था। वो सोच रहा था कि मैं सारे पत्थरों को फेंकूँगा, कहीं ना कहीं तो मुझे वो पत्थर मिलेगा जिसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होगा। वैसे काम करते करते दोस्तों 2 दिन होते हैं, 4 दिन होते हैं, 8 दिन होते हैं, 10 दिन होते हैं, 1 महीना हो जाता है, 2 महीना हो जाता है, 3 महीने पूरे हो जाते हैं। 3 महीने पूरे होने के बाद उसको एक आदत पड़ गई होती है, वो जल्दी जल्दी पत्थर उठाते और नदी में फेंक देते हैं। वो आदत उसको इतनी ज़्यादा जकड़ देती है कि जैसे वो पत्थर को उठाता है और तुरंत फेंक देता है, पत्थर को उठाता है तुरंत फेंक देता है। पहले वो हर एक पत्थर को ऑब्जर्व कर रहा था कि कौन ठंडा है कौन गर्म है, अब उसको आदत सी हो गई थी कि पत्थर उठाया और नदी में फेंका, पत्थर उठाया नदी में फेंका। एक समय ऐसा आया कि वो जो शक्तिशाली पत्थर था उसके हाथ में आया और उसने तुरंत जा करके वो भी नदी में फेंक दिया। उसको फेंकने के तुरंत बाद एहसास हुआ कि ये पत्थर गर्म था, इसका टेम्परेचर ज़्यादा था, शायद यही वो शक्तिशाली पत्थर था। परंतु फेंकने के बाद वो पत्थर नदी में जा चुका होता है, उस पत्थर को वापस नहीं ले सकता है। वो दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास जाता है, कहता है कि गुरुजी मुझे पत्थर तो मिल गया था जो जिसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा गर्म था, परंतु मैंने उठाते ही उसको नदी में फेंक दिया। क्यों? क्योंकि मुझे आदत सी हो गई थी 3 महीने में पत्थर को जल्दी जल्दी फेंकने की। तो गुरु ने कहा यही तो मैं आपका इम्तिहान, यही तो मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता था। जो पत्थर आपको 3 महीने की मेहनत के बाद मिला था वो भी आपने जो 3 महीने मेहनत करने के बाद जो आपकी आदत बन गई थी पत्थर उठा के फेंकना, उसकी वजह से खो दिया। और दोस्तों इस कहानी से हमें क्या समझ आती है, हम जीवन में भी कुछ ऐसा ही करते हैं अपनी लाइफ में। हम स्टार्टिंग में बड़े ध्यान से, जैसे वो शिष्य था वो क्या कर रहा था कि बड़े ध्यान से पत्थर को ऑब्जर्व कर रहा था, फेंक रहा था, फिर उसने टेम्परेरी फॉर्मेलिटी करना शुरू कर दी।
परंतु जिस दिन उसके पास वो शक्तिशाली पत्थर आ गया, उस दिन उसने वो शक्तिशाली पत्थर पकड़ा तो जरूर, परंतु सोचने से पहले उसने उसको थ्रो कर दिया। हमारे पास भी हमारी ज़िंदगी में ऐसा ही होता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारे आसपास आती है परंतु उस अपॉर्चुनिटी को हम थ्रो कर देते हैं, जैसे एज इट इज़ हम आम काम को हल्के में लेते हैं। ज़्यादातर लोगों का काम यही होता है, वो समस्या में इसीलिए फंसते हैं, वो हर एक काम को हल्के में लेते हैं, फिर उनकी हल्के में काम लेने की आदत बार बार बन चुकी होती है, फिर कोई बड़ा काम भी उनके हाथ में आता है उसको भी वो क्या करते हैं, हल्के में लेते हैं और उसको भी छोड़ देते हैं। और लाइफ में शायद वो शक्तिशाली पत्थर जो हर चीज़ का समाधान था, हमारी लाइफ में भी शायद वो ऐसी अपॉर्चुनिटी जो हर एक चीज़ की समस्या का समाधान बन सकती है, परंतु उसको हम छोड़ देते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आज से आप एक चीज़ करेंगे, वो ये है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी है उसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद उस अपॉर्चुनिटी को आपने आगे थ्रो करना है। हो सकता है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपके लाइफ में काम आए, आपके जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने के लिए आपको मदद करे, परंतु उस अपॉर्चुनिटी तक पहुँचने तक आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अगर अच्छी लगी होगी तो इसको इम्प्लीमेंट जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट मुझे नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है, ताकि आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। दोस्तों, मैं राम प्रकाश ठाकुर माइंड ऑपरेशन अकेडमी से आपके सीखने के जज्बे को सलूट करता हूं। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।